concept of change unlike karl marx revolutionary or talcott parsons evolutionary emphasis on change weber has argued of change through rationalization of institutions because rationality is the employment of most technical and efficient strategy for attaining goals एंड ही स्पीक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड ग्रेजुअल चेंज यानी यहाँ पर मैक्स पेबर की जो फिलोसफी है उसकी बेस क्या है दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड ग्रेजुअल चेंज और द इमरजेंस ऑफ रेस्नेलिटी विच फाइंडली टेक्स द फॉर्म ऑफ एर ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू हिम पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी पेवर रेशनेलिटी a way of thinking that emphasizes deliberate matter of fact calculation of the most efficient way to accomplish a particular task so the sentimental ties of to the past have no place in the rational worldwide and traditional traditions become only a kind of information according to max weber क्या चीज़ ज़रूरी है कहीं पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज को रिलेट करने के लिए या डिस्कस करने के लिए कि जो पास्ट है जो हिस्ट्री है जो ट्रेडिशंस हैं वो दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि पहले ये होता था और अब क्या होना चाहिए इसके लिए बहुत ज़्यादा रैशनल होकर सोचना पड़ेगा तो तभी चेंज आ सकती है तभी पॉजिटिवली चीज़ों को टैकल डाउन किया जा सकता है वेबर्स का ये ख्याल है उसका ये पर्सपेक्टिव है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म है ये बेसिकली दे आर द एविडेंस ऑफ मॉडर्न रैशनैलिटी उसका ये ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ इनकलाब आए हैं वो हमें इस लेसन तक पहुँचाने के लिए आए हैं कि आपने चीज़ों को कैसे देखना है चीज़ों को कैसे समझना है because weber described the modern society to be more scientific away from the sentiments and definitely the strongest indicator and visible example of society being rationalized is the willingness to adopt the latest technology and some of the societies they are more eager than the others to adopt न्यू टेक्नोलॉजी एंड इवन दे आर द मोर रेशनल टू वर्ड्स द ट्रडिशनल कल्चर ट्रडिशनल वैल्यूज़ एंड नॉम्स एंड दे बिलीव द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ द एक्चुअल थ्रेड टू देयर लाइफ क्योंकि जहाँ जहाँ भी रवायती माशरे हैं जो रवायती इकदार पर बिलीव करते हैं उनका ये ख्याल है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है असल में उस वो ख़तरा है उनकी मॉडर्नाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो उनके रवायती माशरों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं लेकिन वेबर का ये पर्सपेक्टिव है कि जहाँ भी चेंज लानी है चेंज आनी चाहिए वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए वो उस वक्त उस माशरे की ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए और वो डिपेंडेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कब आती है जब लोगों का ट्रेंड हो टूवर्ड्स लर्निंग एंड टूवर्ड्स न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स अब नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि लोगों के पास वो रिसोर्स भी हों लोगों का अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव हो और अगर ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा तो इसी के आउटकम के तौर पर जो माशरे के अंदर पॉजिटिव चेंज है पॉजिटिव चेंज भी आएगी और लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट भी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज है ना तो वो रेवोल्यूशनरी है ना ही उसके यहाँ ये गुंजाइश है कि बहुत स्लो हो बल्कि उसका बिलीफ ये है कि जो चेंज का कॉन्सेप्ट है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन एफर्ट एंड स्पेसिफिकली ऑन द बेस ऑफ रैशनैलिटी एंड स्पेसिफिकली ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ और जितनी क्वालिटिव चेंज आएगी वो उतनी एवरलास्टिंग होगी और उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी इंसानों की जिंदगियों के अंदर तो ये सब का सब एक आ, एक ऐसी फिलासफी है जो बहुत ज़्यादा रैशनल और लॉजिकल नज़र आती है हमें जब हम इसका अनैलिसिस करते हैं